गुरदासपुर के कस्बा कलौनौर में सत्संग घर डेरा ब्यास के नजदीक स्विफ्ट कार में आए तीन हथियारबंद लोगों ने गांव बुबली के वासी ठेकेदार अमरीक सिंह से पिस्तौल की नोक पर जटा कार छीन कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं डेरा बाबा नानक में हाई अलर्ट के चलते पुलिस कलौनौर में भी हाई अलर्ट कर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस घटना की जानकारी देते हुए SHO राजवीर सिंह ने बताया कि देर रात ठेकेदार अमरीक सिंह वासी बुबली अपनी गाड़ी जटा नंबर बहन को मिलने के लिए गांव अगवान जा रहा था। जब वह सत्संग घर डेरा ब्यास के नजदीक पहुंचा तो स्विफ्ट कार में तीन हथियारबंद लोगों ने उसकी गाड़ी को रोककर पिस्तौल की नोक पर गाड़ी छीन कर फिर दोनों गाड़ियों को लेकर गुरदासपुर की ओर चले गए। हमने घटनास्थल का जायजा लेकर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ये अमरीक सिंह सन ऑफ बसन सिंह जट वासी भुंबली हाल इतने रिंदा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट गुरदासपुर ये बंदा जिहड़ा वा मतलब ठेकेदारी का काम करता वा बिल्डिंगा बुल्डिंगा बनाउंदा ते राती इहदे कोल जैटा गड्डी वॉक्सवैगन दी ते उहदे ते इह आ रिहा सी इहदा संडू रहिंदा वा अगवान पिंड डेरे बाबे नानक लागे उहनूं मिलण वास्ते ते जदों इत्थे अपना कलौनौर दा रकबा शुरू हुंदा वा कोटला मुगलां नूं मोड़ मुड़दा वा उत्थे मगरों इक स्विफ्ट गड्डी आई है वाइट कलर दी ते उहदे च तीन नौजवान ही जिहड़े उहनां ने गड्डी गाड़ी ला के इहदी गड्डी रोक ली है इक जणा विच्चों उतरिया वा ते उहने जिहड़ा इहनूं कहा वी थल्ले उतर तू सानू साइड मार आया तो जो थले उतरिया वा तो वो दूजा एक होर आ गया वो ड्राइवर वाली सीट पर बह गए तो गड्डी मोड़न डे पाया जोड़ा दूजा सगा कोई पिस्तौल भी सगा वो गड्डी मोड़ के वापस बच्चे बह गए उस टाइम ही एक मिनट के गड्डी उन्हें टर्न करके अपनी स्विफ्ट भी गुरदासपुर लै गया तो जी गड्डी खोई हुई है जैटा गड्डी वह भी गुरदासपुर लैके चले गए। नहीं नहीं अत्तवादी तो नहीं ये मतलब चोर टाइप बंदे लगते हैं जोड़ा चंकी गड्डी जैटा गड्डी जी मतलब लंबी गड्डी है थोड़ी जी तो मतलब लग्जरी गड्डी है क्या मदई के दसन मुताबिक पौने 8 बजे रात। वही इस मामले में ठेकेदार अमरीक सिंह ने बताया कि वो गुरदासपुर के गांव अगवान अपनी बहन से मिलने जा रहे थे कि सत्संग घर डेरा ब्यास के पहुंचते ही कुछ हथियारबंद लोगों ने पिस्तौल की नोक पर उनसे गाड़ी छीन ली। गुरदासपुर वालों आ रहा है तो इधर अगे जा रहा है मैं अपनी भैन पिछों गड्डी स्विफ्ट आई है स्विफ्ट गड्डी वाले ने ना इतों लागू मैंने लाइट आई दो बारी पा रही मैं सोचा कि साइड दे मैं साइड दे दी इतने मोड़ पर आने के ना ही उन्होंने मैं हौली जी करके गड्डी के नाल ही अगर रोक दी एक बंदा पिछों उतरिया पतला जहा वो को जो मैं शीशा खड़काया मैं शीशा खोलिया उन्हें वैपन बखाया कहता बाहर आ मैं बाहर आया उन्हें जो दूजा बंदा गड्डी चो एक होर आ गया वो मेरी गड्डी के स्टेयरिंग से बह गया अपनी गड्डी उन्होंने नाल ही फिर पछाण मुड़ी तो मेरी गड्डी भी मोड़ ली तो मैं की गल है वीर की चक्कर कोई गल नहीं उन्हें दसी कहता दसीए तेन जो इन्नी गल हुई मैं चुप करके पीछे हट गया वो भी दौड़ के गड्डी बह के थे। गुरदासपुर के कस्बा कलौनौर से कल देर रात तीन हथियारबंद युवकों ने एक युवक से जेंटा नामक कार बंदूक की नोक पर लूट ली और गुरदासपुर की ओर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि उक्त युवक जो अमरीक जिसका नाम अमरीक सिंह है ठेकेदारी का काम करता है और घुमली गांव घुमली का रहने वाला है वे अपनी बहन को मिलकर कल देर रात गुरदासपुर वापस आ रहा था। जब वह कलौनौर के राधा स्वामी सत्संग भवन के पास पहुंचा तो पीछे से आ रही स्विफ्ट कार ने उसकी जेंटा कार के आगे अपनी कार खड़ी करके उसकी गाड़ी रुकवा ली और बंदूक उसकी कनपट्टी पर तान कर उसको कार से नीचे उतार लिया और कार लूटकर गुरदासपुर की ओर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। सरहदी इलाका होने के कारण यहां पर पहले ही वाहन हाई अलर्ट किया हुआ था और जिसके तहत आज कलौनौर में भी भारी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। गुरदासपुर से नेशनल बस के लिए हेमंत नंदा।